हेलो स्टूडेंट, चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए गाउस के नियम का नेक्स्ट अनुप्रयोग पढ़ते हैं। अब तक हम गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं, चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं, कुचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं, और जो नेक्स्ट अनुप्रयोग है वो है समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र। तो हमें अब विद्युत क्षेत्र निकालना है, किसकी वजह से? गोलीय कोष की वजह से। ठीक है बच्चों, तो जैसा हमारा तरीका है कि पहले हम जो जिस आकृति के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना होता है उसकी चर्चा करते हैं। तो पहले मैंने तार की बात की, फिर मैंने प्लेटों की बात की, अब मैं बात करता हूं गोलीय कोष की। सबसे पहली बात कि गोलीय कोष क्या होता है। बच्चों जब आपने गोला पढ़ा था, ध्यान से देखना, तो गोले दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं चालक गोले, और बच्चों दूसरे होते हैं कुचालक गोले। गोले कितने प्रकार के हैं? दो, चालक और कुचालक। अब चालक गोले भी दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला खोखला चालक और दूसरा ठोस चालक गोला। इसी प्रकार कुचालक गोले भी दो प्रकार के हो सकते हैं, खोखला कुचालक गोला और ठोस कुचालक गोला। अगर मैं बात करूं खोखले चालक गोले की, तो चालक की तो विशेषता है कि जब आप आवेश दोगे तो चालक में अंदर तो आवेश जाता ही नहीं है, मतलब इसमें जब आवेश जाएगा तो आवेश का वितरण कहां होगा? सतह पर। वितरण कहां हुआ? सतह पर। जब मेरे पास में ठोस चालक गोला है, ठोस चालक गोला है, तो भी आवेश कहां जाएगा? सतह पर, क्योंकि चालक में अंदर तो आवेश जाता ही नहीं है ना। अब खोखला कुचालक गोला है, कुचालक में आवेश अंदर तो जा सकता है, पर चूंकि ये अंदर से खोखला है और खोखला मतलब जिस जगह द्रव्यमान नहीं है वहां तो आवेश जाएगा ही कैसे, तो खोखले कुचालक गोले में भी आवेश कहां जाएगा? सतह पर। परंतु अगर ठोस कुचालक गोला है, ठोस कुचालक गोला है, तो कुचालक में अंदर भी जाता है और चूंकि ठोस में अंदर जा सकता है इसलिए अब आवेश का वितरण कुछ ऐसा होगा आयतन के अनुदिश से। पहले मैं गोले कोष की कहानी सुनाना चाह रहा हूं, तो आप देख पाओगे कि दोनों तो चालक गोले, चाहे खोखला चालक हो चाहे ठोस चालक हो और खोखला कुचालक, इन तीनों गोलों में आवेश का जो वितरण है वो पृष्ठीय है। कैसा है? पृष्ठीय। और इस गोले में आवेश का वितरण है आयतन के अनुदिश, हाँ है ना। तो गोलों को दो भागों में बांट दिया गया, एक तो जिनमें आवेश का वितरण कैसा होगा? पृष्ठीय, और एक जिसमें आयतन कैसे आएगा, आवेश कैसे आएगा? आयतन के अनुदिश। तो इन तीनों गोलों को हम जानते हैं बच्चों गोलीय कोष के नाम से, गोलीय कोष के नाम से। तो सबसे पहली बात जो समझने योग्य है वो ये कि गोलीय कोष का मतलब क्या है। तो बच्चों वो गोलीय कोष बोल दे या फिर वो खोखला चालक गोला बोल दे या फिर ठोस चालक कैसा भी चालक हो या फिर वो खोखला कुचालक गोला बोल दे, तीनों ही कौन सी कैटेगरी में आते हैं? गोलीय कोष की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब हेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक गोलीय कोष लेना है। गोलीय कोष का मतलब है केवल सतह पर आवेश आएगा, अंदर आवेश नहीं जाएगा, और उसकी वजह से मुझे विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक गोलीय कोष बनाइए, ये लो, मतलब गोला बना लीजिए, कहने का मतलब ये बन गया हमारा एक गोलीय कोष। अब गोलीय कोष में क्या क्या मानना होगा? भाई गोले में क्या मानोगे? कम से कम त्रिज्या तो मानोगे, मानोगे त्रिज्या मान ली कैपिटल आर। ठीक है, गोलीय कोष को आवेश दोगे कि माना आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है। देखो जब मैंने तार की बात की तो मैंने तार माना अनंत लंबाई का, उसका एक स्मॉल हिस्सा लिया ए बी, तो लाइन बनी कि माना ए बी स्मॉल, माना ए बी अनंत लंबाई के चालक तार का एक छोटा हिस्सा है। फिर चालक और कुचालक प्लेट ली, तब भी मैंने इसे कहा कि माना ए बी सी डी चालक या कुचालक प्लेट का एक छोटा हिस्सा है। अब चर्चा कर रहा हूं गोलीय कोष पर।
बोलिए कोष समझ में आ गया ना कि आवेश केवल कहां जाएगा, सतह पर, अंदर आवेश नहीं जाएगा। तो मान लीजिए कि आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है, अब इसको आवेश दें, प्लस क्यों आवेश दिया आपने मान लीजिए, तो क्या यह आवेश इसकी सतह पर समान रूप से फैल जाएगा, क्योंकि गोलीय कोष में अंदर तो आवेश जाता ही नहीं है ना। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष चित्रानुसार व्यवस्थित है, हमें इसके केंद्र भाई मध्य बिंदु इसमें केंद्रित तो होगा, मान लिया ओ सी, हमें इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु लेना है पी। अब आप ध्यान से देखें, गोलीय कोष में तीन स्थितियां पॉसिबल हैं। हो सकता है कि वो बिंदु पी गोलीय कोष के बाहर रहा हो सकता है कि वो बिंदु पी गोलीय कोष की सतह पर रहा हो सकता है कि बिंदु पी गोलीय कोष के अंदर रहा हो। बच्चों आपको याद होगा 11th क्लास का, मैंने गुरुत्वीय क्षेत्र निकाला था गोले की वजह से, याद है ना, बिल्कुल ऐसी ही कहानी है। तो इसमें जो तीन स्थितियां हैं, तो उनमें जो आपकी स्थिति नंबर वन होगी वो होगी गोलीय कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र, पहली स्थिति में हम विद्युत क्षेत्र का निकालेंगे गोलीय कोष के बाहर, दूसरी स्थिति में गोलीय कोष की सतह पर, और तीसरी स्थिति में गोलीय कोष के अंदर। तो हमें मध्य बिंदु ओ से, केंद्र ओ से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ध्यान से देखिए, अब तो आप बनाना सीख भी गए होंगे भाई। हमारी हेडिंग है समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र। तो पहले आपने गोलीय कोष माना, लैंग्वेज क्या बनेगी कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोष चित्रानुसार व्यवस्थित है, जिसकी सतह पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है, हमें केंद्र ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। फिर तीन स्थितियां हैं, स्थिति नंबर एक गोलीय कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, दूसरी स्थिति बढ़ाऊंगा गोलीय कोष की सतह पर विद्युत क्षेत्र, और तीसरी स्थिति पढ़ेंगे गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र। तो पहली स्थिति देखिएगा गोलीय कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र, तो गोलीय कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए मैं एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करता हूं भाई। यहां चाहिए ना मुझे, अब सोचो कि ये दूरी आर, भाई दिमाग में गेंद मान ले, गेंद मान ली आपने, उसके सेंटर से कोई स्मॉल आर दूरी पर हर तरफ बिंदु हो सकता है, तो एक गोला और बन जाएगा एक तरीके से बड़ा गोला। तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए, अच्छा इसमें क्या है, परिमाण और दिशा आपको अलग अलग नहीं बतानी है, उसका रीजन क्या है ध्यान से देखिएगा। अब की बार जो गाउसीय पृष्ठ बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, जो गाउसीय पृष्ठ बनेगा वो स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला होगा। अब चूंकि गोले को तो कहीं से भी देख लीजिए वो तो एक जैसा ही रहेगा, तो दोनों आंसर अब की बार एक साथ आ जाएंगे। गोले कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम स्मॉल आर त्रिज्या के, कितना स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है। देखो तो तार में गाउसीय पृष्ठ बेलनाकार था, ऊर्ध्वाधर प्लेट में क्षैतिज बेलनाकार, और यहां कैसा है गोलाकार, और इस बिंदु पी पर कोई अल्पांश लेते हैं, अब चूंकि बिंदु पी सतह के ऊपर रहेगा मतलब क्षेत्रफल के ऊपर है, तो कोई अल्पांश ले लिया डीएस, क्या ले लिया डीएस। अब सोचिए इस पर आपको, क्योंकि देखो अब की और अलग अलग क्यों नहीं माना मैंने, S1 S2 S3 क्यों नहीं किया, जो गेंद है उसे आप किसी भी एंगल से घुमा के देख लीजिए भाई, बेलन में तो ऊपर वृत्त नजर आएगा, साइड से बेलन नजर आएगा, फिर वृत्त नजर आएगा, लेकिन गोले को तो कहीं से घुमा के देख लो आपको तो केवल गोला ही नजर आएगा, इसलिए इसमें अलग अलग हिस्सों की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको इस पॉइंट पी पर ई वेक्टर और डीएस वेक्टर चाहिएंगे, तो सोचो ई वेक्टर प्लस आवेश धक्का देगा इस डायरेक्शन में, आपका हो जाएगा ई वेक्टर, और रही बात है डीएस वेक्टर की, तो सोचो एक गोला डिजाइन करो दिमाग में, गोला टाइप में, एक गोला जैसे मान लीजिए ये हाथ गोले का एक गोले की सतह का हिस्सा है, तो इसका डीएस इसकी सतह के लंबवत ही तो होगा, मतलब इसमें डीएस वेक्टर भी
इसी दिशा में रहा होगा। मतलब यहां थीटा का मान कितना है? जीरो। थीटा का मान कितना है? जीरो। दोबारा देखिए आप ध्यान से एक बार, भाई हमें गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है और वो भी तीन स्थितियों में। पहली स्थिति है गोलीय कोष के बाहर, तो हमने गोलीय कोष डिजाइन किया और उसके बाहर हमने एक बिंदु P मान लिया, ठीक है। गोले को क्षेत्र मान ज्ञात करने के लिए मैंने गाउसिय पृष्ठ माना, उस पर मैंने अल्पांश ले लिया, कौन सा? E वेक्टर, सॉरी एक डीएस वेक्टर ले लिया, जिस पर मैंने E वेक्टर और डीएस वेक्टर निकाले। क्लियर है? ये समझ में आया नहीं आया? एक गोलीय कोष समझ लीजिए, अगली हेडिंग बिल्कुल इसकी कॉपी है, ठीक है। मैं एक बार इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, आप बोर्ड पर देखिए ध्यान से दोबारा से। हाँ तो बच्चों इसी हेडिंग को एक बार दोबारा देखते हैं, अब दिमाग बसाना। हेडिंग है समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र। तो जो आकृति आपको डिजाइन करनी है वो गोलीय कोष होगा, समझ गए आप? गोलीय कोष, गोलीय कोष का मतलब जिसमें आवेश केवल कहां जाए? सतह पर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले आप एक गोलीय कोष मानिए, ये ले लो एक गोलीय कोष है, त्रिज्या कितनी मान लें आर, और ये केंद्र मान लिया ओ, कि माना आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष क्षेत्रानुसार रखा हुआ है। आप इसको आवेश दीजिए, तो जब आप इसको आवेश दोगे तो वो आवेश फैल जाएगा सतह पर। गोलीय कोष में आवेश कहां फैल जाएगा? सतह पर। क्लियर? हमें इसके केंद्र से कुछ दूरी पर आर मान लें हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बच्चों कितनी स्थिति हो सकती है? तीन। पहली स्थिति गोलीय कोष के बाहर, दूसरी स्थिति गोलीय कोष की सतह पर, और तीसरी स्थिति गोलीय कोष के अंदर। तो जो हमारी स्थिति नंबर वन है, पहली स्थिति है बच्चों, वो है गोलीय कोष के बाहर, विद्युत क्षेत्र। जो पहली स्थिति है बच्चों वो है गोलीय कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र। तो आप ऐसा करो, गोलीय कोष के बाहर एक पॉइंट ले लीजिए, आर दूरी पर एक पॉइंट लिया हमने पी, गाउसिय पृष्ठ मानेंगे, तो गाउसिय पृष्ठ रहेगा गोलाकार। ये हमने गाउसिय पृष्ठ मान लिया, और इसकी सतह पर हमें एक अल्पांश मानेंगे, क्या अल्पांश रहेगा? डीएस, ठीक है। ई वेक्टर धक्का देगा, इधर आ जाएगा, और डीएस वेक्टर भी सतह के लंबवत यानी कि इसी दिशा में होगा। कहने का मतलब ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच में कोण कितना आएगा? जीरो। क्लियर है? चलो अब अगर इसमें गाउस का नियम लगाए हम, गाउस का नियम लगाए, तो गाउस के नियम से क्या कहता है? गाउस का नियम, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लगाता हूं मैं हमेशा। और बार तार में, चालक प्लेट में, कुचालक प्लेट में मैं अलग अलग हिस्से कर दिया करता था, एस वन एस टू और एस थ्री, तो क्लोज इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाया करता था ओपन इंटीग्रेशन में। पर अब की बार मुझे ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो बच्चों ये क्लोज इंटीग्रेशन ही रहेगा। खोलूंगा इसको तो ई डी एस कॉस थीटा, रही बात सिग्मा क्यू की, सिग्मा क्यू का मतलब है बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, तो ये पूरा आवेश ही इस पृष्ठ के अंदर आ रहा है, तो सिग्मा क्यू की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां थीटा की वैल्यू है जीरो डिग्री, थीटा का मतलब ई वेक्टर एस वेक्टर एक ही दिशा में है ना, तो कॉस जीरो का मान कितना आ जाएगा? एक, यानी कि ये बन जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रेशन। देखो गाउसिय पृष्ठ पर ई तो कांस्टेंट रहता है, यानी कि ई तो कहां जाएगा? बाहर, अंदर बचेगा डीएस। क्लियर? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन डीएस क्या कह रहा है? डीएस आपने अल्पांश लिया है सतह पर, इंटीग्रेशन डीएस अनंत अल्पांशों का योग, सतह पर जो अनंत अल्पांश होंगे उन सबका योग क्या उस गोले के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा? अब सोचिए एक गेंद लूं और गेंद सतह पर बहुत सारे छोटे 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 अल्पांश ले लूं, तो उन सबका योग उसके वक्र पृष्ठ के बराबर तो होगा, और गोले का क्षेत्रफल कितना आता है?
फोर पाई, गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, याद रखना इस गोले की बात कर रहे हो आप, तो फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको तो ई चाहिए तो फोर पाई आर स्क्वायर नीचे भेजना होगा। तो पहले फोर पाई को एप्सिलॉन नॉट से कनेक्ट करके देखें तो क्या आपको वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट नजर आएगा, और ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। आप चाहो तो इसको शॉर्ट में ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कह सकते हो। क्लियर है? तो जो गोलीय कोष है उसके बाहर विद्युत क्षेत्र निकल के आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो पहले इतना लिखिए एक बार ढंग से, आप हेडिंग लाइन डालें, आप बच्चों हेडिंग लिखिए, स्क्रीन पॉज करके वो हेडिंग लिख लें, समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है? और आप नोट करें इसमें सबसे इजी हेडिंग है ये, और अब आप सीख गए होंगे क्या करते हैं। पहले गोलीय कोष की चर्चा करेंगे। देखो माना, माना कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोष, माना कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोष चित्रानुसार व्यवस्थित है। कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोष चित्रानुसार व्यवस्थित है, चित्रानुसार व्यवस्थित है, जिसकी सतह पर, जिसकी सतह पर, माना कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोष चित्रानुसार व्यवस्थित है, जिसकी सतह पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है। माना कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोष चित्रानुसार व्यवस्थित है, जिसकी सतह पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है, प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है, ठीक है? हमें हमें गोलीय कोष के केंद्र ओ से, हमें गोलीय कोष के केंद्र ओ से, हमें गोलीय कोष के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर, हमें गोलीय कोष के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। माना कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोष चित्रानुसार व्यवस्थित है, जिसकी सतह पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है। हमें गोलीय कोष के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है? तो अब इसमें कितनी स्थिति हो सकती है? तीन। तो आप लिखिए स्थिति वन, ऐसे बोर्ड से स्क्रीन पॉज करके हटा लें, स्थिति वन गोलीय कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र, ठीक है? और ये वाला डायग्राम बना लें, स्क्रीन पॉज करके पहली स्थिति लिख लें गोलीय कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र, और ये वाला डायग्राम बना लें, बना लिया डायग्राम, स्क्रीन पॉज करके बना लें, ठीक है ना? अब आगे लिखो, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम ओ को केंद्र मानकर, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या के, ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। याद रहे यहां गाउसीय पृष्ठ गोलाकार है,
विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या के गोलाकार गाउसिय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है, तथा पी पर एक अल्पांश डीएस लेते हैं। हम ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या के गोलाकार गाउसिय पृष्ठ की कल्पना करते हैं तथा पी पर अल्पांश डीएस लेते हैं, पी पर अल्पांश डीएस लेते हैं जिस पर ई वेक्टर व डीएस वेक्टर एक ही दिशा में है, जिस पर ई वेक्टर व डीएस वेक्टर एक ही दिशा में हैं। क्लियर, बाकी स्क्रीन पॉज करके यहां से लिख दीजिए। गाउस के नियम लगाएं, क्लोज इंटीग्रेशन वाला, इसमें अलग अलग हिस्से नहीं होंगे। कॉस थीटा आ जाएगा, थीटा का मान 0, कॉस का मान 1, सॉल्व करते जाइए, आंसर आएगा KQ बटे R स्क्वायर। ये हमारी पहली स्थिति है, आप स्क्रीन पॉज करके पूरा लिख सकते हो, ठीक है सर। अब जो दूसरी स्थिति होगी, देखिए विचार करिए, अब जो हमारी दूसरी स्थिति होगी, स्थिति नंबर 2 बच्चों, वो होगी गोलीय कोष की सतह पर, गोलीय कोष की सतह पर विद्युत क्षेत्र। अब आप विचार करें, जब आप सतह पर मान रहे हो तो आपको अल्पांश ही लेना होगा, एक तरीके से वही ई वेक्टर डीएस वेक्टर एक ही दिशा में होंगे। अब आप क्षेत्रफल में, या और आसान भाषा में बात करो, इतना क्यों करते हो यार, स्मॉल आर उस बिंदु पी की दूरी है ना, पी यहां है तो स्मॉल आर ये है। जब पी घटते 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 और सतह के ऊपर आ जाएगा तो क्या इस स्थिति में स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर आएगा? अगर आपका बिंदु पी सतह पर आ जाए तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो जब आप सतह की बात कर रहे हो, तो इसको साफ कर सकता हूं, ध्यान से देखिए, जब आप सतह की बात कर रहे हो तो हम लिख सकते हैं कि भाई सतह पर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर जो आपका सूत्र आया है KQ बटे R स्क्वायर, इसमें यदि मैं स्मॉल आर का मान कैपिटल आर रख दूं तो ये सतह बन जाएगी, तो सतह का विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। क्या आएगा बच्चों? KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। क्लियर है? तो आप इसको नोट करें पहले, चलो बहुत छोटा है ये तो कुछ भी नहीं है। दूसरी स्थिति लिख दीजिए, गोलीय कोष की सतह पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, स्क्रीन पॉज करके लिख लेना हेडिंग को, तो गोलीय कोष की सतह पर विद्युत क्षेत्र, और लिखो सतह के लिए या सतह पर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर, जहां स्मॉल आर है वहां कैपिटल आर जमा दीजिए, तो सूत्र बन जाएगा E बराबर KQ बटे कैपिटल R स्क्वायर। क्लियर? अब जो आपकी स्थिति नंबर 3 है, यह है बच्चों गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र। तो पहले आपने गोलीय कोष के बाहर देखा, फिर गोलीय कोष की सतह पर देखा, और तीसरा गोलीय कोष के अंदर। तो इसको समझने के कई तरीके हैं, आप ऐसे समझें कि ये हमारा गोलीय कोष है, त्रिज्या वही कैपिटल आर है, केंद्र ओ है, सतह पर प्लस क्यू आवेश फैला हुआ है। क्लियर? अब आपका जो बिंदु पी है वो अंदर है, मतलब यहां कहीं है, इस मामले ये बिंदु पी है आर दूरी पर, जो आपका बिंदु पी है वो कहां है? अब अंदर। क्लियर? अब अगर आप गाउसिय पृष्ठ बनाते हो बच्चों,
तो ये स्मॉल आर त्रिज्या का अंदर छोटा सा गोला बन जाएगा। और ध्यान देखने वाली बात यह है कि इस छोटे से गोले के अंदर तो कोई आवेश ही नहीं आ रहा है, जो पूरा आवेश है वो कहां फैला हुआ है, सतह पर। पहले तो गोला बाहर होके निकल रहा था, इसमें पूरा आवेश आ रहा था, लेकिन जब आप अंदर की बात करोगे तो इस गोले में क्या कोई आवेश आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, मतलब इसके लिए सिग्मा क्यू का मान कितना है, जीरो। और जब सिग्मा क्यू क्यू का मान जीरो जमा के देख लो तो ई का मान कितना आएगा, जीरो। मतलब गोलीय कोष के अंदर क्षेत्र का मान कितना आता है, जीरो। समझ में आ गया होगा। तीन सूत्र प्राप्त हुए मुझे, गोलीय कोष के बाहर के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर, सतह पर के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर ई का मान कितना आएगा, जीरो। तो तीसरी स्थिति भी आप नोट कर लें, लिखें स्थिति तीन। देखिए गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र, गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र, तो डायरेक्ट आप बने डायग्राम मत बनाइए, आप तो सीधा लिखिए, लिखो चूंकि गोलीय कोष के अंदर सिग्मा क्यू बराबर जीरो, चूंकि गोलीय कोष के अंदर सिग्मा क्यू बराबर जीरो, तो नीचे लिखे आता है ई बराबर जीरो। भाई गोलीय कोष के अंदर सिग्मा क्यू बराबर जीरो है, और गाउस के नियम अगर सिग्मा क्यू का मान जीरो होता है तो ई का मान कितना आएगा, जीरो। क्लियर, ठीक है। यहां पर अब बात करते हैं ग्राफ की, इसके लिए ध्यान से देखना, जो गोले की विद्युत क्षेत्र जो निकल के आए हैं वो तीन निकल के आए हैं, ई इनसाइड अंदर, वो आया है के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर, अंदर ही कितना आया, के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर। ई सरफेस ये के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये इनसाइड नहीं है, आउटसाइड है। और ई इनसाइड ये निकल के आया जीरो। गोलीय कोष के लिए तीन सूत्र देखे बच्चों आपने, बाहर के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस पर के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर जीरो। अब अगर इसका ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखिए, तो ग्राफ कैसा तैयार होगा अच्छे से देखना। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष मूल बिंदु। बच्चों एक्स अक्ष पर मैं मान रहा हूं दूरी ले रहा हूं स्मॉल आर, ठीक है, और वाई अक्ष पर मैं तीव्रता ले रहा हूं ई। तो जब स्मॉल आर का मान जीरो है, मतलब आप केंद्र की बात कर रहे हो, एक्चुअल में स्मॉल आर है क्या है, ओ से पी की दूरी, ओ से पी की दूरी। स्मॉल आर जीरो है मतलब जहां ओ है वहीं पी है, यानी कि पी कहां है, केंद्र पर। फिर आर बढ़ता जाएगा, कहीं ना कहीं स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर आएगी, मतलब आप सतह की बात कर रहे हो, कहां की बात कर रहे हो, सतह की। बच्चों इस जगह पर तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर है, इससे पहले देखूंगा तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से कम होगा, और इसके बाद देखूंगा तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से कैसा होगा, ज्यादा। आप विचार करें, ध्यान से देखें कि मैंने एक्स अक्ष लिया है, तो एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष मैंने दूरी मान ली, ग्राफ समझे, ऐसे बहुत सारे ग्राफ बनाने होंगे आपको, दूरी वाई पर मान लिया विद्युत क्षेत्र, यहां दूरी कितनी है, जीरो, मतलब केंद्र की बात कर रहा हूं, और यहां दूरी बढ़ते बढ़ते त्रिज्या के बराबर हो गई, इस हिस्से में स्मॉल आर कैपिटल आर से कम है, और इस हिस्से में स्मॉल आर कैपिटल आर से ज्यादा है। ठीक है, तो ये अंदर, ये सतह और ये बाहर। तो बच्चों अंदर तो ग्राफ बनेगा ही नहीं, क्योंकि ई का मान कितना होता है, जीरो, मतलब इस वाले ब्लॉक में तो कोई ग्राफ बनने वाला है नहीं है। बाहर देखें तो ई व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के स्मॉल आर के, मतलब स्मॉल आर के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, है ना, और ये सतह
स्मॉल आर है ही नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो डैश डैश लगा करके इसको लिख सकते हो ईएस सरफेस। तो ये ग्राफ बन के तैयार हुआ। डैश डैश से ध्यान रखना, मतलब अंदर तो क्षेत्र बनता ही नहीं है और बाहर क्षेत्र बनता है व्युत्क्रमानुपाती, मतलब क्षेत्र एक तो गोलीय कोष के अंदर जीरो है और एक अनंत पर जीरो होगा और अधिकतम कहां होगा, सतह पर। क्लियर है? तो यह कहानी थी आपकी गोलीय कोष की। आप स्क्रीन पॉज करके और ये ग्राफ वगैरह बना सकते हो, ठीक है, जल्दी से बना लीजिए। तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग है, पांचवा और लास्ट अनुप्रयोग गॉस का। पहला अनुप्रयोग तार हो गया, दूसरा चालक प्लेट है, तीसरा कुचालक प्लेट है, चौथा गोलीय कोष और पांचवा है बच्चों अचालक गोला। ठीक है, तो अब हमें एक समरूप आवेशित अचालक गोला लेना है और उस गोले के लिए विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बच्चों पहली और दूसरी स्थिति तो बिल्कुल गोलीय कोष जैसी है, सेम, बिल्कुल 100% सेम है। कैसे, मैं एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से देखना कि माना सबसे पहले मुझे क्या लेना है, एक अचालक गोला। अब देखो ये अंडरस्टूड है कि अचालक गोला ठोस है, क्यों, गोलीय कोष की कैटेगरी में तो खोखला अचालक गोला आता है। तो अचालक गोला जब नाम ले तो आप समझ जाना कि ठोस अचालक गोला है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप एक अचालक गोला मानिए, ये लो, देखना क्या कोई डिफरेंस है क्या इनमें। ये हमने अचालक गोला मान लिया, इसकी त्रिज्या कितनी मान ली हमने, आर, ठीक है भैया। अब अचालक गोला है और आप इसको आवेश दोगे, एक लाइन तो ये बन गया कि माना आर त्रिज्या का एक अचालक गोला चित्रानुसार है, गोलीय कोष था तो उसमें गोलीय कोष लगा दिया, अचालक गोला है तो अचालक गोला लगा दिया। अब आप इसको आवेश दोगे तो बच्चों इसमें आवेश सतह पर नहीं जाएगा, अंतर यह है, डायग्राम ध्यान से देखो, इसमें आवेश जाएगा आयतन के अनुदिश, इसमें आवेश जाएगा आयतन के अनुदिश। क्लियर? तो मान लिया कि माना आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है, सॉरी आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है, चित्रानुसार व्यवस्थित है, प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है और हमें इसके जो केंद्र है ओ, उससे आर दूरी पर, जो इसका केंद्र है ना ओ, उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसमें भी तीन स्थिति हो सकती है, बाहर, सतह पर और अंदर। तो अगर मैं स्थिति पहली की बात करता हूं, पहली स्थिति, तो वो बन जाएगी अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो आपको पॉइंट पी कहीं यहां लेना होगा, स्मॉल आर दूरी पर। क्लियर है? अब आपको पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो गाउस से प्रश्न डिजाइन करना होगा। गाउस से प्रश्न बिल्कुल सेम गोले के लिए वही, स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला रहेगा। क्लियर? यहां सतह पर वापस से वही अल्पांशम डीएस ले लेंगे, इस पर ई वेक्टर और डीएस वेक्टर बच्चों एक उसी दिशा में होंगे, वापस से पहले वाले समझ गए होंगे आप लोग, वही गाउस का नियम लगाएंगे। तो गाउस का नियम कहता है क्लोज इंट्रीगेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। अब चूंकि इसके अलग अलग हिस्से तो हो ही नहीं सकते, गोला तो एक ही है, तो क्लोज इंट्रीगेशन ही चलता रहेगा, क्लोज इंट्रीगेशन ई डी एस कॉस थीटा बराबर सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू की बात करूं तो बंद पृष्ठ के अंदर का आवेश, इस गाउसिय पृष्ठ में ये पूरा आवेश आ रहा है क्यू, तो सिग्मा क्यू का मान कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। यहां थीटा का मान जीरो है तो कॉस थीटा का मान एक हो जाएगा, ई कॉन्स्टेंट है तो कहां जाएगा, बाहर, और अंदर केवल डीएस। और इस गोले के लिए
डीएस का मान होगा 4πr² और अब अगर ई निकालना है तो बच्चों ये आएगा 1/4πε0Q/r². कहने का मतलब वापस से वही ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि यहां तक तो पहली स्थिति में तो चालक गोले और अचालक गोले में कोई अंतर है ही नहीं है। दूसरी स्थिति भी बिल्कुल सेम है। अगर आप स्थिति दो की बात करते हो तो वो कौन सी होगी, अचालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों सतह के लिए आप स्मॉल आर का मान कैपिटल आर जमा दोगे, जमा दीजिए तो ई बराबर बन जाएगा 1/4πε0Q/r² वही सूत्र निकल गया है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसमें अगर अंतर है तो वो होगा अंदर, और अंदर कैसे निकालेंगे उसे पढ़ने से पहले आप पहले पूरा ये लिख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, चलो मैं बोल देता हूं फटाफट फटाफट, है ना, मैं खाली बोल के दिखा रहा हूं, कॉपी आपको घर से करना है। कौन से वाली हेडिंग में देख करके, हेडिंग नंबर 4 गोलीय कोष को देखकर क्या करोगे आप, सबसे पहले ये हेडिंग लिखोगे, स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हो आप इसको। इसके बाद वही लैंग्वेज की, माना कैपिटल आर त्रिज्या का, पहले मैंने गोलीय कोष बोला है और अब आप लिखोगे अचालक गोला, कि कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला चित्रानुसार व्यवस्थित है जिसमें प्लस क्यू आवेश चित्रानुसार फैला है। चित्र में थोड़ा अंतर है बच्चों, है ना, चित्र आप यहां से बनाओगे। हमें केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। स्थिति पहली, अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, डायग्राम देख के बनाना है इसमें से, उसमें सतह पर फैला हुआ है आवेश, इसमें अंदर तक है। फिर सेम लैंग्वेज, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए स्मॉल आर त्रिज्या के गोलाकार गाउसिय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, बिंदु पी पर अल्पांश डीएस लेते हैं जिस पर ई वेक्टर और डीएस वेक्टर एक ही दिशा में है, ठीक है, यह डायग्राम बन जाएगा और गाउस के नियम से बिल्कुल ऐसे कैसे आपको लिख देना है। उम्मीद है आप ये गोलीय कोष में से लिख लोगे। दूसरी स्थिति बिल्कुल सेम है, हेडिंग लगाओगे क्या, अचालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही लिख दोगे कि सतह के लिए स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, और ये पूरा आप यहां तक लिख सकते हो, ठीक है, स्क्रीन पॉज कर लें और वो पूरा अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, मैं इसको बोलूंगा नहीं, ठीक है। तीसरी स्थिति देखते हैं इसकी, तो अब बात करते हैं बच्चों तीसरी स्थिति की, जो है अचालक गोले के अंदर हमें अब विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, कुछ आपको देखकर 11th क्लास की चीजें याद आएंगी, प्रयास करें। तो सबसे पहले एक अचालक गोला मान लिया, गोला सही लगा, बढ़िया नहीं, दूसरा बना देखो ध्यान से, ये रहा अचालक गोला, आइए बन गया, सही है, ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया ओ, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई कैपिटल आर, आवेश दूंगा तो ये आवेश फैलेगा आयतन के अनुदिश, आवेश फैलेगा आयतन के अनुदिश, ठीक है भैया। आपको क्या करना है, मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी लेना है अंदर ही, ठीक है, उस पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए आपको गाउसिय पृष्ठ बना देना है। सोचिए ये गाउसिय पृष्ठ बना दिया, ठीक है जी, और बिंदु पी पर एक अल्पांश लेना है डीएस, इस पर ई वेक्टर भी इधर है और डीएस वेक्टर भी इधर है, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर, क्लियर। जब आपने गोलीय कोष पढ़ा था बच्चों तो मैंने कहा था कि इस गाउसिय पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं है, क्यों, जब गोलीय कोष पढ़ रहे थे उसमें तो आवेश केवल कहां फैलता है, सतह पर, अंदर आवेश जाता ही नहीं है, तो उस गाउसिय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं आ रहा था,
पर यहां ऐसा नहीं है। देखो क्या इसे डैश डैश जो आपने गांव से प्रश्न बनाया है इसके अंदर आवेश है या नहीं है? कुछ ना कुछ आवेश तो है ना। तो सबसे पहले तो मुझे इस आवेश को निकालना है। आप याद करो मैंने 11th क्लास में द्रव्यमान निकाला करता था, याद है ना आपको इस तरीके का। तो सबसे पहला काम है इस गांव से पृष्ठ के अंदर आवेश निकालना। तो चूंकि बच्चों आप सोचो कैसे निकालना है, एक बार आप खुद ट्राई करें, यहां तक स्क्रीन पहुंच करें और ट्राई करो कि इसके अंदर सिग्मा क्यू कितना होगा। अब मैं बोलता हूं, आपको पता है कि जो आवेश फैला हुआ है वो आयतन के अनुदिश फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है? आयतन के अनुदिश। तो चर्चा स्टार्ट करता हूं मैं आयतन से। इस पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। पूरे गोले का आयतन कितना है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। और इसमें आवेश कितना है? क्यू। पूरा आवेश कैपिटल क्यू है। तो इतने आयतन में क्यू आवेश है, एकांक आयतन में निकाल लीजिए और फिर इसके आयतन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप सिग्मा क्यू निकल के आ जाएगा। मैं स्टार्ट करता हूं, देखना कि चूंकि 4/3 पाई आर क्यू आयतन में आवेश है क्यू, पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू है ना, तो इसमें कितना आवेश है? क्यू। अतः एकांक आयतन में जो आवेश होगा वो होगा बच्चों क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यू। आप विचार करें भैया, पूरे गोले का जो ये आयतन का लॉजिक ही क्यों लगाया? क्योंकि आवेश आयतन के अंदर फैला हुआ है, तो पूरे गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यू, इसमें आवेश कितना है? क्यू। एकांक आयतन में कितना आवेश होगा वो निकाल लिया। अतः आपके गाउसिय पृष्ठ के अंदर निकालना है तो इसके आयतन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अतः गाउसिय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना आएगा बच्चों? क्यू बटे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू गुना 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया और यहां से जो सिग्मा क्यू निकल के आया वो आया क्यू स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। सिग्मा क्यू जो निकल के आया वो कितना निकल के आया? क्यू स्मॉल आर क्यू बटे कैपिटल आर क्यू। यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? भाई हमें तो पहले इसके अंदर परिबद्ध का आवेश निकालना था जो इतना आया, अब कुछ नहीं है इसमें। अब आप गाउस की प्रमेय लगा दीजिए। गाउस की प्रमेय या नियम जो भी आप कहना चाहो, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। अब गोले में आपको अलग अलग हिस्से करने की जरूरत तो है ही नहीं है, इसका मतलब क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस जीरो, थीटा का मान जीरो है ना क्योंकि एक ही दिशा में तो है, और सिग्मा क्यू का मान, देखो जब आपने बाहर निकाला तो आपने सिग्मा क्यू का मान कैपिटल क्यू जमा दिया था क्योंकि उस सतह में जो परिबद्ध आवेश था वो कैपिटल क्यू ही था। पर अब की बार आपको सिग्मा क्यू का मान कैपिटल क्यू नहीं जमाना है, सिग्मा क्यू का मान आपको जमाना है क्यू स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू और साथ में नीचे एप्साइलन नॉट। कॉस जीरो का मान कितना हो गया? वन। गाउस से प्रश्न में ई कांस्टेंट है, कहां जाएगा? बाहर, ई बाहर। क्लोज इंटीग्रेशन डीएस क्यू स्मॉल आर क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट कैपिटल आर क्यू। यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अरे सबको समझ में आ गई होगी। आगे कैसे सॉल्व करना है देखिए, आगे सॉल्व करने के लिए आप ऐसा करो, यहां लिख दो ना, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, ई और गोले के लिए जो इंटीग्रेशन डीएस है वो 4πr² होता ही है, 4πr² बराबर क्यू आर क्यू
अपॉन एप्साइलन नॉट कैपिटल आर क्यू, आर स्क्वायर से आर क्यू कैंसिल हो गया, आर बार कितना बचा उसे लिख दीजिए, ई बराबर फोर पाई को यहां कनेक्ट करें तो वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट, क्या बचा क्यू आर अपॉन आर क्यू, तो जो कुल मिलाकर के ई निकल के आया ये आया बच्चों के क्यू आर अपॉन आर क्यू। अंदर देखो जो गोलीय कोष आपने पढ़ा था, गोलीय कोष में बाहर आया के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर। तो मैं अगर सूत्रों को यहां लिखूं, देखना जब आपने गोलीय कोष की बात की थी, गोलीय कोष तो गोलीय कोष में बाहर तो आया था के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, सतह पर आया था के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर और अंदर आया था जीरो। पर जब आप अचालक गोले की बात कर रहे हो, अचालक गोले की बात कर रहे हो तो बाहर तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर वही है, सतह पर भी वही है, डिफरेंट अगर है तो अंदर कितना के क्यू आर अपॉन आर क्यू। समझ भाई क्लियर? तो आप तीसरी स्थिति लिखिए, इसमें हेडिंग डाल दे, मैं बोलता हूं अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। तीसरी स्थिति लिख दें आप, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये डायग्राम बनाओ, ये वाला स्क्रीन पॉज कर ले, ये डायग्राम बना दे, ठीक है। फिर यहां से और यहां तक लिख लो सिग्मा क्यू तक, सिग्मा क्यू निकाल लीजिए आयतन वाले कंसेप्ट से कि चार बटे तीन पाई आर क्यू आयतन में आवेश है क्यू, एकांक आयतन में जो आवेश है वो हो जाएगा बच्चों क्यू बटे चार बटे तीन पाई आर क्यू। फिर गाउसिय पृष्ठ से जो परिबद्ध आवेश है वो हो जाएगा आपका क्यू बटे चार बटे तीन पाई स्मॉल आर क्यू गुणा चार बटे तीन पाई स्मॉल आर क्यू, सिग्मा क्यू निकाल लीजिए और फिर आप गाउस की प्रमेय लगा करके पूरा रख दें यहां से, गाउस की प्रमेय से ये वाला पूरा और यहां तक नोट कर लें, ठीक है ना। उम्मीदें लिख चुके होंगे आप, स्क्रीन पॉज कर लें और इसे लिखें, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, अचालक गोले के लिए तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ कैसा आएगा। देखो अगर हम ग्राफ की बात करें तीन सूत्र आए हैं, ई आउटसाइड ये आया बच्चों के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ई सरफेस के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर और ई इनसाइड के क्यू आर अपॉन आर क्यू। ये तीन सूत्र निकल के आए, इसके अकॉर्डिंग अगर ग्राफ प्लॉट करना है, देखिए ये हमारा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष पर मान रहा हूं मैं दूरी स्मॉल आर, वही कहानी बिल्कुल सेम, और यहां मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र ई, ये केंद्र हो जाएगा, यहां दूरी कहीं ना कहीं त्रिज्या के बराबर, यहां त्रिज्या से कम और यहां त्रिज्या से ज्यादा, मतलब ये अंदर ये सतह पर और ये बाहर। तो सोचिए अंदर ग्राफ बनाना है तो अंदर तो ई स्मॉल आर के समानुपाती है, अंदर वाले हिस्से में तो विद्युत क्षेत्र स्मॉल आर के समानुपाती है, तो अंदर जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो समानुपाती के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है, और बाहर ई स्मॉल आर के विद्युत समानुपाती है वर्ग के, तो बाहर ग्राफ जो बनेगा विद्युत समानुपाती इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये सतह पर हो गया,
ठीक है ना। तो इस तरीके का ग्राफ बनता है किसके लिए, अचालक गोले के लिए। ये वाला हिस्सा अंदर को दर्शा रहा है, यहां लिख दो बड़ी चाहो तो आप, इसके लिए ई समानुपाती है स्मॉल आर अंदर, और यहां ई व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के। क्लियर। तो ये जो ग्राफ कहता है कि भाई देखो, एक तो केंद्र पर जीरो है, चालक गोले में तो अंदर वाला हिस्सा बना ही नहीं था, पूरे अंदर जीरो है और अनंत पर जीरो है, और अचालक गोले में एक तो केंद्र पर जीरो है और एक कहां जीरो होगा, अनंत पर। अधिकतम विद्युत क्षेत्र कहां होगा, सतह पर। आप चाहो तो इसको ई एस लिख सकते हो या के अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एडिंग हो गई आपकी, कौन सी, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। क्लियर बच्चों। तो इस लेक्चर में आपने दो हेडिंग पढ़ी है, पहली हेडिंग जो पढ़ी है वो पढ़ी है गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र, और दूसरी हेडिंग जो पढ़ी है वो पढ़ी है आपने अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। क्लियर है यहां पर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे।